नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में जनजातीय जनसंख्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जनजाति का मतलब क्या है। एसटी, शेड्यूल ट्राइब किसे कहते हैं। तो भारत के जो संविधान है उसके आर्टिकल 366 में ऐसा डेफिनेशन दिया गया है कि ऐसे आदिवासी समुदाय, आदिवासी जाति या आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है। तो 342 भारत का जो अनुच्छेद है उसमें इन जनजातियों की लिस्टिंग की गई है। तो उसमें जितने भी लिस्टेड है उन सबको हम एसटी मानते हैं। सामान्यतः अगर हम कहें तो भारत में प्राचीन समय से रहने वाले ऐसे ग्रुप जो आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो आदिम ढंग की प्राचीन अर्थव्यवस्था है। ये पर्वतीय और वनों वाले दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, आधुनिकता से काफी दूर हैं, दूसरी कम्युनिटी से आपस आसानी से मिलने जुलने में कतराते हैं थोड़े। इनकी अपनी भाषा है, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपना रहन सहन है अलग, विशेष तरह का। तो ऐसे जो समूह है उनको हम एसटी या शेड्यूल ट्राइब के अंदर रखते हैं। ये जो ट्राइब शब्द है ये एक लैटिन शब्द बना है ट्रिबस से, जिसका मतलब वही है कि वहाँ के लोकल लोग, स्थानीय निवासी, से ये फिर ट्राइब शब्द बना है। भारत के अंदर इन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। ये शब्द जो है वो सबसे पहले अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने इस्तेमाल किया था। इनको ठक्कर बापा भी कहते हैं। इन्होंने इनके जीवन और इनके विकास के लिए काफी काम किया था। गुजरात में रहने वाले थे ये। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई सारी ट्राइब्स हैं और लक्षद्वीप के अंदर भी कई सारी ट्राइब्स हैं, लेकिन लक्षद्वीप में की जो ट्राइब्स हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है कि वहां जन्म लेने वाले वो सारे लोग जिनके माता पिताओं ने भी वहीं पर जन्म लिया, ऐसा भी एसटी कहलाएंगे। ऐसा लक्षद्वीप के लिए पर्टिकुलर व्यवस्था की गई है भारत के अंदर। अब अगर हम भारत में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको लेकर जो समय समय पर कानून या अधिनियम आए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर आया, जिसमें भारत में 744 ट्राइब्स दर्ज की गई थी, जबकि 2011 की सेंसस में 705 ट्राइब्स दर्ज हुई। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भारत के जो जनजाति मंत्रालय उसके द्वारा की गई। भारत में वर्तमान में 27 TRI हैं, इसको ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। पहले जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो 1952 में ओडिशा के अंदर लगा और सबसे अंतिम यानी कि 27वां 2020 में गोवा के अंदर लगा। ये सब ट्राइबल पर रिसर्च करने का काम करते हैं। देन आगे SC ST ऑर्डर्स आया। ये अमेंडमेंट एक्ट था जो 1956 में आया। ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1970 में अगरतला के अंदर की गई, त्रिपुरा में। ट्राइबल सब प्लान अस्तित्व में आया 1974-75 के अंदर। एक्चुअली ये भारत में ऐसे क्षेत्र, तहसीलें और जिले जिनकी जनसंख्या एसटी जनसंख्या 50% से ज्यादा है, उन सब क्षेत्रों के विकास के लिए ये एक योजना बनाई गई जिसको हम जनजाति उप योजना कहते हैं। तो ये उनके लिए काम करती है, विशेष तौर पर स्टेट गवर्नमेंट इस पर ज्यादा अपने हिसाब से इसको रन करती है। बाद में जो वित्त मंत्रालय है उसने इसका नाम बदलकर शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट भी कर दिया, STC कर दिया। तो आप अभी वर्तमान में इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया, अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं हम इसको, 1989 में। उसके बाद 1999 में क्या हुआ, पहले एक मंत्रालय था जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट, उससे अलग करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिसको हम जनजाति मंत्रालय भी कहते हैं वो अलग कर दिया। तो 99 से अलग मंत्रालय है इनके लिए। उसके बाद में 2003 में 189 अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट के अंदर क्या किया, पहले एक संस्था थी इसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसको अलग करके दो अलग अलग 2004 में संस्थाएं बना दी गई। उनके नाम क्या, एक का नाम तो है नेशनल कमीशन फॉर SC, NCSC कहते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, NCST, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद 2015 में ये जो SC ST प्रिवेंशन और एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट लाया और 2015 में इसको भी लागू किया गया। इस तरह से भारत सरकार द्वारा किए गए समय समय पर प्रयास हैं जो एसटी जनजाति से संबंधित। अब भारत में हम अगर 2011 की सेंसस में एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो मिजोरम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 94.42% हिस्सा एसटी पॉपुलेशन था। नागालैंड
सेकंड नंबर पर है इस मामले में। थर्ड नंबर पर इसमें मेघालय है और फोर्थ नंबर पर इसमें अरुणाचल प्रदेश है। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी कुल जनसंख्या का 50% से ज्यादा हिस्सा एसटी पॉपुलेशन है। हरियाणा और पंजाब, ये दोनों, इनमें कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर लगभग 95% जनसंख्या यहाँ की एसटी है, और दादरा और नगर हवेली इसमें सेकंड पोजीशन पर है। इसी तरह से अगर दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इनमें कोई एसटी जनसंख्या नहीं है। ये सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या है। तो अगर हम भारत में सेंसस 2011 में टोटल एसटी पॉपुलेशन को देखेंगे तो वो 10.45 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या की 8.61% है। इसमें से 90% लोग, जो एसटी लोग, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अर्बन में केवल 10% लोग रहते हैं। अगर हम संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी एसटी ग्रुप, एसटी स्टेट की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वो मध्य प्रदेश है। इसमें 1.53 करोड़ लोग रहते हैं, जो भारत की कुल एसटी जनसंख्या का 14.7% यानी कि 15% है। और 19 ऐसे जिले हैं यहाँ पर जो एसटी डोमिनेशन वाले हैं, जहाँ एसटी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी 1 करोड़ से ज्यादा एसटी पॉपुलेशन रहती है, 10% भारत की। लगभग इसमें 5 जिले एसटी जनसंख्या की प्रधानता रखते हैं। बाकी अगर हम ओडिशा में भी देखें, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 7 राज्यों में 93 जिले ऐसे हैं जिसमें लगभग 7 करोड़ एसटी पॉपुलेशन, 10 में से 7 करोड़ लोग रहते हैं, एसटी पॉपुलेशन रहती है, जो कि भारत की कुल एसटी जनसंख्या का 67% है। इसमें अगर हम वेस्ट बंगाल की जनसंख्या को और जोड़ देते हैं, 72% हो जाएगी। तो इस तरह से ये मेजर राज्य हैं। अगर हम इनको यहाँ मैप पे देखें तो ये देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़, ये मेजर वो स्टेट है जहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसी तरह से अगर इन राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ राज्य में रहने वाली कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ये दोनों अलग अलग बात है। अगर हम इनका प्रजातीय लक्षण देखेंगे तो गुहा का जो वर्गीकरण है, इन्होंने बीएस गुहा ने 1930 से 33 तक अपना रिसर्च किया था, 1937 में अपना क्लासिफिकेशन दिया। और इस क्लासिफिकेशन को हम देखें तो सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भारत में सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या इसी ग्रुप को, इसी प्रजाति को बिलोंग करती है। इनका अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो जो कलर डार्क स्किन होती है, थोड़ा धसा हुआ नाक होता है, हाइट कम होती है, थोड़े कर्ली है बाल होते हैं। और मैक्सिमम एग्जाम्पल इसके देखें तो ओरान है, संताल, गोंड, मुंडा, हो, बिल, इस तरह के। और ये सारे सेंट्रल इंडिया में रहने वाले जो एसटी है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और भारत में ज्यादातर एसटी संख्या के हिसाब से देखें तो वो यही रहते हैं और इसी प्रजाति से बिलोंग करते हैं। दूसरा मंगोलायड, ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये जो उत्तर उत्तरी जो राज्य है उनके अंदर, इनका जो स्किन कलर है वो थोड़ा लाइट ब्राउन होता है, चेहरा थोड़ा फ्लैट होता है, आंखें तिरछी होती हैं, हाइट इनकी भी कमी होती है, और इनके बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं। उदाहरण के लिए भोटिया है, वांचू है, नागा है, खासी है, इस तरह की जनजाति है इसके उदाहरण। तीसरा है निग्रिटो लोग, इनकी स्किन बहुत ज्यादा डार्कनेस ली हुई होती है, चेहरा थोड़ा गोल होता है राउंड शेप में, और नाक थोड़ी चौड़ी होती है, बाल थोड़े घुंघराले, बहुत ज्यादा घुंघराले होते हैं, इनकी भी हाइट छोटी ही होती है और होंठ पतले होते हैं। इनके उदाहरण देखें तो साउथ में कादर, हिरुला, बनियान, इसी तरह से ये अंडमान निकोबार में जरावा जो है, ओंग जो है, ये इसके बढ़िया उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये जरावा अंडमान निकोबार में। तो इस तरह से हम भारत की जो जनजातियां हैं उनको इन 3 ग्रुप में रख सकते हैं। भारत के अंदर एक आयोग बैठा था 1973 में, जिसको हम ढेबर आयोग कहते हैं। ढेबर आयोग ने क्या किया, कुछ ऐसी जनजातियां जो जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है, या साक्षरता बहुत कम है, और ऐसी जो बहुत आदिम जमाने की कृषि कार्यों में लगे हुए, मतलब किसी तरह का मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ऐसी सारी ट्राइब्स को उन्होंने आदिम जनजाति समूह का, उस समय इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG कहा जाता था। उसके बाद में अगर हम देखें 1975 के अंदर इसका नाम बदल कर दिया गया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG, विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह कहा गया 1975 में, और उस समय 52 जनजातियों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। फिर बाद में 1993 में थोड़ा संशोधन करके 23 जनजातियों को और सम्मिलित कर दिया गया। तो वर्तमान में इस ग्रुप में 75 जनजातियां भारत की मौजूद हैं, और उनको हम स्टेट वाइज देखें तो ओडिशा की सबसे ज्यादा 13 जनजातियां उसमें हैं, आंध्र प्रदेश की 12, तेलंगाना भी उसमें इंक्लूड है, बिहार झारखंड की 9, मध्य प्रदेश 7, तमिलनाडु 6, गुजरात 5, केरला 5, अंडमान निकोबार की 5, जिसमें सेंट्रलिस्ट जो है तो केवल 39 बच गए,
रेड अंडमानीज जो है वो 43 बच गए हैं, जरावा है ये भी 250 से 400 के बीच में ही इनकी जनसंख्या बची है, तो बहुत कम हो गए। इसी तरह से महाराष्ट्र में 3, वेस्ट बंगाल में 3, कर्नाटक में 2, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 2, मणिपुर राजस्थान और त्रिपुरा में एक एक जनजाति इसके अंदर सम्मिलित की गई है। अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों की जो संख्या है, मतलब जनजाति ग्रुप की जो संख्या, 62 ओडिशा में सबसे ज्यादा है और सेकंड नंबर पर इसमें कर्नाटक है 50। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ऐसे राज्य है जहाँ जनजातियों की जो ग्रुप है वो 40 से 50 के बीच में है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। इसके बाद ये ऐसे हैं जिसमें 30 से 39 के बीच में, जिन राज्यों में जनजाति जनसंख्या के ग्रुप्स हैं, जिसमें तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु, गुजरात, इधर बिहार, मणिपुर। इसके अलावा जिसमें 30 से कम जनजातियों की संख्या है वो ये सारे राज्य हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ सत्रह हुआ, सबकी संख्या मैंने इसमें लिखी है। और दो ऐसे राज्य जहाँ कोई जनजाति जनसंख्या नहीं है, जिसमें पंजाब और हरियाणा। अब अगर हम भारत में जनजातियों के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न या बेल्ट को समझेंगे तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है नदर्न हिली रीजन, जिसमें ये सारे स्टेट आ जाते हैं। दूसरा है सेंट्रल प्लेटू रीजन, जिसमें ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन निवास करती है। और तीसरा सदर्न रीजन या दक्षिणी जनजाति क्षेत्र, जिसमें ये सारे स्टेट सम्मिलित होते हैं। इनको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम नदर्न हिस्से की बात करेंगे तो उत्तर में ये वाला हिस्सा है, तो नॉर्थ ईस्ट सारे स्टेट, इधर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी सम्मिलित है, और हिमाचल प्रदेश। यहाँ जो मुख्य जनजातियां पाई जाती है वो स्टेट वाइज भी जिस तरह से है, जम्मू कश्मीर में लद्दी, लद्दाख, गद्दी, लद्दाखी, बकरवाल, गुज्जर, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, खास, उत्तराखंड में भोटिया, थारू, सिक्किम के अंदर लेपचा, अरुणाचल प्रदेश में डपला, अबोर, अबोर, मीरी, मिश्मी, बेसिकली सारी पहाड़ियों के नाम है। जिस पहाड़ी पे जो जनजाति रहती है उसका वही नाम रख दिया गया है। आपातानी, नाकते, वांचो, तानसा, सिंको, मिजोरम में लुशाई बहुत पॉपुलर है, असम में मिकिर, आबू, मीरी, गारो, त्रिपुरा में चकमा, मणिपुर में कुकी, मेघालय में खासी, गारो, ये भी पहाड़ियां है सारी। तो यहाँ ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट में सारी पहाड़ियों के नामों के आधार पर ही जनजातियों के नाम रखे हुए हैं। नागालैंड में नागा, कुकी, कोन्याक। नागालैंड में तो कई सारी ट्राइब्स ऐसी भी है जिसमें आज भी मातृसत्तात्मक परिवार वहां चलता है। बाकी हम भारत में देखते हैं तो पितृसत्तात्मक परिवार, लेकिन वहां मातृसत्तात्मक परिवार है, इसीलिए नागालैंड में कन्या भ्रूण हत्या का रेशो भी बहुत कम है ऐसा माना जाता है। सेंट्रल रीजन को अगर हम देखेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर गोंड, भील, बेगा, कोल, दहिया, सीओ, छत्तीसगढ़ में गोंड, कोरबा, मुड़िया, तेलंगाना में गोंड, झारखंड में संथाल, उराव या औराव, मुंडा, बिरहोर, ओडिशा में गोंड, जुआंग, खरिया, आंध्र प्रदेश में गोंड और चेंचू, राजस्थान में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, कथोड़ी, गुजरात में भील, महाराष्ट्र में वर्ली, कटगारो, टोडिया, उत्तर प्रदेश में थारू, बिहार में थारू, तो ये सारे इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। अगर हम सदर्न पोर्शन की बात करेंगे, इसमें केरला में उरेली, पलियान, इरुला, कडार, तमिलनाडु में टोडा, इरुला, पालीवन, घरावा, कोटा, पलियान, कर्नाटक में टोडा, येरावा, मलसार आदि आदि। तो इस तरह जो भारत है उसको हम 3 बेल्ट में उसकी एसटी पॉपुलेशन को अलग हम कर सकते हैं, और हम इनको ट्राइब्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ज्यादातर अभी हमने देखा ये वाले जो है प्रोटोस्ट ऑस्ट्रेलाइड थे, इधर वाले सारे मंगोलाइड से जुड़े हुए थे, और ये जो साउथ वाले हैं ये सारे निग्रोइड से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम किसी जनजाति ग्रुप का अध्ययन करते हैं तो हमें किन किन मुद्दों पर उसमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर हमें उसे फोकस करना चाहिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर यहाँ पर हमें समझनी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले किसी भी जनजाति की बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वो लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, किस राज्य में, किस जिले में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उपजातियां कौन सी है, किस नदी के किनारे रहते हैं, किसी जंगल के किनारे रहते हैं, धरातल है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जलवायु कैसी है, ठंडी, गर्म। तो इन सब चीजों की बात हमें इस लोकेशन वाले बिंदु में करनी चाहिए। फिर थोड़ा हिस्ट्री, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आए हैं। तीसरा, उनकी इकोनॉमी किस तरह की है, वो क्या कर रहे हैं, आखेट कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, घुमक्कड़ है, मछली पाल रहे हैं, कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं, तो उनकी इकोनॉमी को समझना होगा हमें। उसके बाद में वो खाना पीना किस तरह का करते हैं, मांसाहारी है, शाकाहारी है, वैसे ज्यादातर ट्राइब जो होती है वो मांसाहारी ही होती है, लेकिन फिर भी तो वो क्या खाते हैं, क्या उगाते हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या उगा रहे हैं, इस तरह की चीजों को हमें इसमें देखना होगा। उसके बाद उनके सेटलमेंट कैसे हैं, घर कैसे हैं, लकड़ी से बने, घास फूस से बने, मिट्टी से बने, या किस तरह के घर हैं उनके, उसमें मटेरियल क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका साइज और शेप किस तरह का है, ये सब चीजें हमें इसमें देखनी चाहिए। उसके बाद क्लोथिंग, उनका पहनावा किस तरह का है, कई ट्राइब्स तो आज भी कपड़ों के बिना चल रही है, कुछ अभी इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, तो उसमें क्लोथिंग सेंस में थोड़ा चेंज आया, कुछ बॉल वेल मैनेज क्लोथिंग सिस्टम के साथ भी जी रहे हैं।
वो सारी चीजें इसमें हमें देखनी चाहिए। फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसमें भाषा, मातृसत्ता, पितृसत्ता, तो परिवार, एकल परिवार या संयुक्त परिवार, विवाह कैसे होते हैं, पंचायतें किस तरह से चलती हैं, त्योहार, उत्सव, ये सारी जो चीजें हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखनी होगी। उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस, लगभग सारी ट्राइब्स भारत की अंधविश्वास ही होती है, इलाज में सब देवी देवताओं का ही उनके ऊपर असर मानते हैं, प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, तो ये सब चीजें, झाड़ फूंक वगैरह सब चलता है हर ट्राइब में। और सोशल चेंज किस तरह से आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। आप ये सामाजिक परिवर्तन का वजह आरक्षण मान सकते हो, एजुकेशन बढ़ रही है, ईसाईकरण भी इनका बहुत ज्यादा हो रहा है, संचार के साधनों का बहुत प्रसार प्रसार होने की वजह से ये तो मैन धारा में आने की कोशिश, तो वो भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि वर्तमान में किस तरह से संशोधन सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब मैं भारत की कुछ प्रमुख जो जनजातियां हैं उनको थोड़ा ब्रेक में यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संथाल जनजाति। अगर हम भारत का जो जनजाति मंत्रालय उसके वेबसाइट के हिसाब से बात करें, तो उनके हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी संख्या के हिसाब से ट्राइब है। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये, भील को भी कई सारे रेफरेंसेस ये कहते हैं को सबसे ज्यादा है, पर जनजाति मंत्रालय ने इसी को सबसे बड़ी बताया और सबसे पुरानी ट्राइब भी कहा है। हम कह सकते हैं एक सबसे पुरानी जनजातियों में शुमार है संथाल जो जनजाति है। ये झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये इसका मेजर एरिया है। इसके अलावा इन सारे रीजन में भी छिटपुट पाई जाती है, पर मुख्यतः वो यहाँ पाई जाती है। झारखंड और ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सबसे मेजर स्टेट हैं इसके। इसके अलावा भी आसपास के सारे स्टेट्स में मिलते ही हैं। कृषि कार्य में सबसे दक्ष है। इसके अलावा ये रेशम पालन का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं और शिकारी भी बड़े दक्ष है। गाना बजाना और ये सारा इनके कल्चर का पार्ट है, जो कि हर एसटी के कल्चर का पार्ट होता ही है। इसके अलावा ये भारत की ऐसी ट्राइब है जो जिसका स्टडी सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है इस ट्राइब के ऊपर भारत में। और ये जो जो लोकल देवता जिनको वो पूजते हैं, उसमें से एक का नाम मारायण गुरु या इसको बोंगा भी कहते हैं, वो लोकल देवता हैं इनके, जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। इनका जो सेटलमेंट होता है उसके ठीक पास में एक पवित्र जंगल होता है, जिसको ये नुकसान बहुत कम ही पहुंचाते हैं, अब नुकसान नहीं पहुंचाने की धारणा उनमें रहती है। पंचायत होती है इनके ऊपर, सारे जो विवाद है अब पंचायत समाज संबंधी जो फैसले हैं वो पंचायतों में लिए जाते हैं, और 50 से 200 गांव मिलकर एक बड़ी मेगा पंचायत भी बनाते हैं। दूसरी जो ट्राइब है उसको भील ट्राइब भी कहते हैं। इनका जो मुख्य हिस्सा है वो ये है, इसके अलावा आसपास के सारे हिस्से में ये पाए जाते हैं। ये भी एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भारत के अंदर, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ये सारे स्टेट में रहते हैं लोग। ये जो भील शब्द है वो कहीं बिल्लू शब्द से आया है, जिसका मतलब था वो, ये धनुष से मतलब है, और ये अच्छे धनुषधारी भी होते हैं। गोरिल्ला युद्धों में ट्रेडिशनली ये बहुत पॉपुलर ट्राइब रही है भारत के अंदर। महाराणा प्रताप के साथ भी ये जुड़े रहे थे, अगर आपको कहीं पढ़ा हुआ। वर्तमान में ये ज्यादातर किसान हैं और एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करते हैं। अगला है मुंडा जनजाति। ये फिर से हम इसी पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार के आसपास हम इनकी लोकेशन को देख सकते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये सराउंडिंग जो स्टेट्स है वहां पर ये अच्छे शिकारी हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ है थोड़े से, और लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे समय के साथ ही कृषक बन गए हैं। नेचर लवर बहुत है ये, और इनके जो जो सरनेम होते हैं वो किसी पेड़ के नाम, किसी जानवर, पक्षी, उनके नाम पर ही होते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि प्रकृति की पूजा ये करते हैं। डांस म्यूजिक इनका जीवन का पार्ट है। नेक्स्ट है बेगा, ये भी छोटा नागपुर के पठार के आसपास ही ये ट्राइब बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वल्नरेबल ग्रुप में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड ये सबसे प्रमुख स्टेट है इनके, इसके अलावा आसपास के सारे राज्यों में लिखते हैं। ये सेमी नोमेडिक है, थोड़े बहुत घूमते हैं वापस आ जाते हैं इस तरह से, लेकिन वर्तमान में पहले स्थानांतरित कृषि, स्लेश एंड बल एग्रीकल्चर करते थे, पर वर्तमान में स्थिर हो गए हैं लगभग। तो अभी ये वर्तमान में फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं और ज्यादातर बैम्बू इनका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसके ऊपर इनकी इकोनॉमी ज्यादातर चलती है। शहद कलेक्शन भी करते हैं, फोक म्यूजिशियन भी, फोक मेडिसिन भी में भी ये बड़े हैं, मतलब जंगली दवाइयां जो होती है उसमें काफी एक्सपर्ट है ये। कल्चर काफी रिच है, वही म्यूजिक, डांस, सब कुछ इसमें होता है। और इनकी एक खास बात यह है कि किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो उस घर को छोड़ देते हैं, दूसरा घर बनाते हैं, और टेटू इनके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये अपने शरीर पर बहुत टेटू बनवाते हैं। नेक्स्ट है कोनका जनजाति, जिसको हम कह सकते हैं ये इस कोस्टल एरिया में रहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दादरा नगर हवेली में, कोकण रीजन हम कह सकते हैं, उसके मुख्य निवासी हैं ये।
इसके बाद वर्ली ट्राइब है, ये भी महाराष्ट्र मुंबई में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहां पर ही ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें थाने, नासिक, धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वलसाड़ गुजरात के अंदर, कर्नाटक, गोवा, ये दादरा नगर हवेली दमन दीव, इसमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ये छोटे कृषक हैं, किसान हैं, जो चावल उगाते हैं, सब्जियां दालें भी उगाते हैं, और ये भी नेचर लवर है, बहुत ज्यादा उसकी पूजा करते हैं। बिरहोर जनजाति, फिर छोटा नागपुर का पठार, झारखंड के अंदर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये मूलतः या शिकार और एकत्रण वाली इनकी अर्थव्यवस्था है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, शिकार करना, हनी कलेक्ट करना, इनमें एक्सपर्ट हैं। और झारखंड का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, इसके अलावा आसपास के सारे इनमें पाए जाते हैं। और ये इनके जो सेटलमेंट है, इनको टांडा कहा जाता है, जो फॉरेस्ट के किनारे पर ही होते हैं, और ये भी पीवीटीजी में इंक्लूडेड। नेक्स्ट है गोंड जनजाति, फिर से छोटा नागपुर के पठार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके आसपास वाले स्टेट है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा, और बस्तर है छत्तीसगढ़ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा आसपास के सारे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। नागा ट्राइब है, मूलतः नागालैंड और उसके आसपास के सारे स्टेट्स में ये देखने को मिलते हैं। ये भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और हंटिंग इनकी इकोनॉमी जो है उस पर डिपेंड करती है। इस तरह से खेती करते हैं, सारा आसपास का जंगल है, बीच में थोड़ा सा काट लेंगे, जिसको हम स्थानांतरित कृषि या स्टेशन बर्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। टोडा जनजाति, ये साउथ में तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पर्वत जो है उसमें पाई जाती है। ये जो ट्राइब है, ये मूलतः द्राविडियन ट्राइब या द्रविड ट्राइब ग्रुप का हिस्सा है, और ये भैंसे पालते हैं, और इनकी पूरी इकोनॉमी वो भैंस के आसपास, भैंस के दूध और उनसे ही चलती है। इसलिए इस ट्राइब का जो कल्चर है वो बफेलो कल्चर कहलाता है, भैंस संस्कृति कहते हैं उसको, टोडा जनजाति को। ये इस तरह से वो भैंस पालते हैं, और सारी इकोनॉमी उन्हीं के आसपास इनकी चलती रहती है। गद्दी जनजाति है, जो हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर पाई जाती है, और आसपास के सारे क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में भी ये देखने को मिलती है। इनकी इकोनॉमी भेड़ों के ऊपर है, ये भेड़ों को चराकर अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजाति है, उसमें भोटिया सम्मिलित है, और ये जो है वो भी यहाँ पशु चारण और इस तरह के कामों में, कुछ कुछ उद्योगों में इस तरह से लगे हुए हैं। खासी जनजाति है, जो कि मेघालय के अंदर खासी पहाड़ियों में यहाँ पर पाई जाती है, ये भी काफी बड़ी ट्राइब है भारत की, जो वहाँ निवास करती है। और एक जरावा ट्राइब है, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर, अगर हम देखें तो साउथ और मिडिल अंडमान के अंदर पाई जाती है। इनकी संख्या भी 250 से 300, 400 के आसपास बच गई है। ये बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप के हैं, मतलब अभी तक कपड़े भी इनके पास बहुत कम पहुंचे हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव वे में ही अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब बिल्कुल एक तरह से जंगली जीव की तरह ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संख्या बहुत कम हो गई है, इसमें सरकार इनको बचाने का काफी प्रयास वहां पर कर रही है। इसी के जैसे ही वहां पर एक और है, जिसको हम ग्रेट अंडमानीज कहते हैं, वो भी उसी तरह से निवास अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां थी। जनजातियां तो बहुत सारी और भी हैं, लेकिन मैंने कुछ को सेलेक्ट करके आपके सामने रखा है। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। भारत के किन राज्यों में जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती है? भारत में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? मध्य भारत की जनजातियां किस प्रजाति से संबंधित है? भारत में निग्रिटो जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान की किस जनजाति को विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? किस जनजाति की संस्कृति को भैंस संस्कृति कहते हैं? जरावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में देखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया, और अगले हम किसी और वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आपको अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू।